सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? हम अपना ये राज कब तक छुपाए रखेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ मालती, लेकिन शादी की बात करें तो कैसे है? हम दोनों के डैडी एक दूसरे के दुश्मन हैं। मुझे विश्वास है मेरे पिताजी मेरी बात को ना नहीं करेंगे। लेकिन मेरे डैडी को कौन समझाएगा? ठीक है, अगर वो शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे तो हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेंगे। आओ, आज इस बात का फैसला हो ही जाए। पिताजी, क्या? मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, यही ना? जी। एक बेटी बाप से यह बात करे, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ओ, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। तुम्हें मालूम है 15 सालों से हमारी उन लोगों से दुश्मनी है। हमारी शादी आपकी बरसों की दुश्मनी को फिर से दोस्ती में बदल देगी। आपको अपनी दुश्मनी प्यारी है या अपनी औलाद की खुशी? एक बाप को तो औलाद की खुशी चाहिए। डैड। हाँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच पिताजी, थैंक यू। हेलो, मैं मालती बोल रही हूँ। सूरज साहब घर पर हैं? जी, वो आपसे मिलने अभी अभी रवाना हुए हैं। अच्छा। भगवान की लीला भी न्यारी है। जिसकी जरूरत थी उसे बुला लिया और जिसके बारे में सोचा भी नहीं था उसे भेज रहा है। क्या बात हुई? बात अच्छी नहीं है। तुम्हारी बेटी मां बनने वाली है। मां? हां चरणदास। डॉक्टर, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग कहेंगे बिन ब्याही लड़की को। कुछ करो डॉक्टर, प्लीज कुछ करो। तुम्हारा मतलब है गर्भपात? हाँ। उसके लिए देर हो चुकी चरणदास। ओहो डॉक्टर, इसमें मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी बेटी की जिंदगी की फिक्र मुझे भी है। अगर इस काम में कोई गलती हो गई तो तुम्हारी बेटी की जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, अब रहने दो। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा जहां हमें कोई जानने वाला ना हो। Thank you.
लड़का हुआ है। मालती की तबीयत कैसी है? अभी तक होश नहीं आया। वो बच्चा फौरन लाकर मुझे दे दो। क्या? हाँ। जल्दी जाओ। मेरा बच्चा, बच्चा कहाँ है? बेटी, कहाँ है? बेटी, उसे भगवान ने हमसे छीन लिया। पिताजी। हाँ बेटी। आइए मालिक। अरे कहाँ छुपा रखा तुमने? आप आइए मालिक मेरे साथ। अरे बच्चा, हा? मालिक बच्चा। अरे इसको मारो गोली, पहले बैग निकालो। मालिक एक मिनट मालिक। क्या करूं उसको? लीजिए तो मालिक। जल्दी करो। लीजिए मालिक। अब क्या हुआ? लल्ला ये मुझे दीजिए। जल्दी पकड़ो। चलो, ए इसको कहाँ ले जा रहा है? घर मालिक। किसी का पाप क्यों अपने साथ लेता है रे? मालिक, पाप होगा उसके लिए जिसने किया है। मैं तो इसे पुण्य समझ के ले जा रहा हूँ। मैं पूछती हूँ, इस फूल जैसे बच्चे को इस तरह फेंकने वाली माँ है या कोई डायन? अरे भाई, ये तो आजकल आम होता है इस दुनिया में। कोई माँ बाप बच्चों को पाल नहीं सकते तो सड़क पर पटक देते हैं। कोई कुंवारी लड़की माँ बन जाती है तो बच्चे को कचरे में धकेल देती है। न जाने भगवान ऐसे पापियों को संतान क्यों देता है। अरे भाई, ये तो भगवान जाने और वो लोग जाने। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया। परसों से प्रार्थना कर रहे थे
कि भगवान संतान दे, और देख संतान भी कैसे मिली, बेटा, ये हमारे जीवन में आशा की ज्योति बन के आया है। मैं तो इसका नाम भी यही रखूंगी, ज्योति, ज्योति सिंह। टाटा आशु। माँ, भैया बहुत अच्छे हैं ना? हाँ बेटी, इस घर में ज्योति के आते ही हमारे नसीब चमक गए, तेरे बाबा की तनख्वाह भी बढ़ गई और फिर तू पैदा हुई। ए कचरा पेटी, मेरे शू पॉलिश क्यों नहीं किए? छोटे मालिक, मैंने तो सुबह ही कर दिए थे। झूठ बोलता है कचरा पेटी। छोटे मालिक, आप ऐसा मत कहिए। कहूंगा, क्या कर लेगा तू? फिर कह के तो देखिए। एक बार नहीं, दो बार कहूंगा। कचरा पेटी, कचरा पेटी, कचरा पेटी। मैं तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। कहीं ना कचरा पेटी, कहीं ना कचरा पेटी। राम भाड़े। कचरा पेटी नहीं तो क्या सोने के कमरे में गया था तू? मां ना बाप ना जाने किसने जन्म देके तुझे कचरे की पेटी। ज्योति, मैं देश को खोले टुकड़े कर दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करे हो? हट जाओ इससे। पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। ये कल का छोकरा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने पहले छोटे मालिक पर हाथ उठाया और फिर बड़े मालिक पर। अब बस भी करो। हट जाओ अलायक बदतमीज। सच सच बोल माँ, तुम क्या मुझे कचरा पेटी से उठा के लाई थी? मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है। बोलो ना माँ, बोलो। कोई हो या ना हो, हम जो है तेरे। इसका मतलब यह हुआ मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अरे रमेश, जानते हैं वो क्या है? वो तो कचरा पेटी है। अरे यार, यहाँ कितने कचरा पेटी हैं? एक। एक नहीं, दो। हाँ? एक ये और एक वो।
मैं पूछता हूं पुलिस कर क्या रही है? एक मुजरिम ने सारे प्रांत में तहलका मचा रखा है और प्रांत की सारी पुलिस उसे अभी तक नहीं गिरफ्तार कर सकी। शर्म की बात है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। यस सर। ओ स्टॉप दिस यस सर यस सर। मुझे यस सर नहीं मुजरिम ज्वाला सिंह चाहिए। उसे गिरफ्तार करने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं। बस मुझे यस सर नहीं ज्वाला सिंह चाहिए। ज्वाला सिंह को ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं। मुझे यस सर नहीं मुजरिम ज्वाला सिंह चाहिए। कुछ भी करो वो फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार तो उसे हम अभी कर सकते हैं इसी वक्त, मगर ये भी तो पता चले कि वो है कहां। विलियम्स जी, शेरू कहां है? पुलिस ने पकड़ लिया। और तुमने क्या किया? पुलिस से बचकर भाग आया। शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो। शेरू ने पुलिस को हमारे बारे में कुछ बताया? नहीं सर, जैसे ही पुलिस ने उसे पकड़ा उसने अपने ही पिस्टल से अपनी जान ले ली। सच ना बोलना पड़े इसलिए उसने अपनी जान ली। और कहीं तुम्हारी जान न चली जाए इसलिए तुम भाग गए। इस गिरोह में शामिल होने से पहले मैंने तुम सबसे कह दिया था, यहां जो भी आएगा सर पे कफन बांध कर आएगा। जिसके सीने में फौलाद का दिल होना चाहिए, जिसे ना पुलिस की गोलियों की परवाह हो और ना अपनी जिंदगी का लालच। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जानते हो क्या करता? अपनी जान दे देता, मगर अपने साथी को पुलिस के हवाले नहीं होने देता। बहादुरों की फौज में एक बुजदिल सारी फौज को तबाह कर सकता है। राजा ये कितने का है? 4 रुपए का। ये कितने का है? 6 रुपए का। और ये क्या सवेरे सवेरे टाइम खोटा करती है? सीधा बोल क्या लेने का? सवेरे सवेरे टाइम खोटा तुम कर रहे हो। कभी बोलते हो 5 रुपए, कभी बोलते हो 4 रुपए। सीधा बोलो कीमत क्या है? ठीक है 3.5 रुपया दे देना। उल्लू बनाता है क्या? 2 रुपया दूंगी। अरे 2 रुपए का बटुआ क्या बटन तक नहीं मिलता? बटन ए बटन है क्या बोली? अरे हम बोलता है 2 रुपए में सब जगह मिलता है, समझे क्या? अगर मिलता है तो मुझे ला दे। कमीशन मिलेगा? हाँ 20 पैसे हर नग कमीशन दूंगा। कितने चाहिए? जितने मिले। ये लो ए? ये भी ले ले। ये सब 2-2 रुपए के हैं? 30 पैसे कमीशन के। हाँ कमीशन दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा, मगर ये एक एक बटुआ एक एक डिजाइन का है। हाँ हाँ अलग अलग डिजाइन के अलग अलग सैंपल है। तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है क्या? और नहीं तो क्या। किधर? इधर। टिक टिक तुम तुम, टिक टिक तुम तुम, टिक टिक। ए माल निकल माल। ये लो और ये कमीशन। टिक टिक तुम तुम, टिक टिक तुम तुम, चुक चुक। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा लिफ्ट देंगे आप? ओह श्योर, थैंक यू। अरे आगे क्यों बैठती हूँ, पीछे आ जाओ, बहुत जगह। थैंक यू वेरी मच। कहाँ जाना? बस थोड़ी दूर। पढ़ी लिखी मालूम पड़ता? हाँ हाँ। एमए। एमए जी। क्या काम कर? टिक टिक तुम तुम। क्या मतलब? मतलब कटिंग। कटिंग? टेलरिंग वाली कटिंग। हाँ। और सिलाई? सिलाई लोग खुद कर लेते हैं। फॉरेन घड़ी है? हाँ। ओह आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। इट्स ऑलराइट, यू आर वेलकम। अकेली हो? नहीं तो इस शहर में आप जैसे बहुत ग्राहक है मेरी।
शैतान, कहाँ रहती? जहाँ जहाँ कटिंग करती हूँ। मेरे घर आओगी? आजकल कोई नहीं हुआ? आजकल कोई नहीं हुआ? आऊंगी। अभी चले? अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत लोगों की कटिंग करनी है, मैं कल आ जाऊंगी, आप मुझे काट दे दीजिए। ठीक है, बस ड्राइवर को बोलिए यहाँ छोड़ दे मुझे, मैं यहाँ उतरूंगी। ड्राइवर गाड़ी रुक। थैंक यू वेरी मच। कल आओगी ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगी। बाय बाय। बाय। मोटू राम मेरी गिर आएगी ना? कोई बात नहीं। बारी की माँ की दवा के लिए भी रुपए मिल गए और अपने गुजारी के लिए। साले बन गई मैं उल्लू आज। वेलकम ज्वाला, वेलकम। तुमने मुझे किसी काम से बुलाया? तुम अच्छी तरह जानते हो कि ब्लैक बॉस बगैर काम के किसी को नहीं बुलाता। क्या चाहिए, मुर्दा या जिंदा? मान जाए तो जिंदा, वरना मौत के घाट उतार देना। औरत या मर्द? कराटे फाइटर जॉन, जो मेरे स्मगलिंग के काम में रुकावट पैदा कर रहा है, पिछले 10 दिनों मेरे 50 लाख का नुकसान कर चुका है। माल क्या दोगे? 1 लाख। दो। मंजूर है। यहाँ क्या करने आया है? देखने। देखने? Surround him. कौन है तू? यहां किस लिए आया? तुझे समझाने। ब्लैक बॉस के रास्ते से हट जा, वरना। वरना? Thank you.
बोल, ब्लैक बस के रास्ते में आएगा? नहीं नहीं, अगर कभी कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हट। शाबाश ज्वाला, तुमने कमाल कर दिया कमाल। माल? माल हाजिर है, ठीक से गिन लो। जरूरत नहीं, जो ज्वाला से खेलता है वो जलकर राख हो जाता है। खूबसूरत है तू, मानता हूँ, मगर मैं तवायफ को पहचानता हूँ। अरे जा, किसी दिन किसी दिन किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ, बलम ऐसा मारूंगी। किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ, बलम ऐसा मारूंगी। कभी देखा ऐसा मारूंगी। किसी दिन उठ गया जो मेरा हाथ, बलम ऐसा मारूंगी। मेरे नाम से कांपता है जमाना, जरा सोच के हाथ मुझ पे उठाना। तूने देखी प्रेम नजरिया, ओ तूने देखी प्रेम नजरिया, अब गुस्सा भी देख सवरिया। मैं तो गिरूं देख, ऐसा कोई मर्द होगा मुझे मारने से तुझे दर्द होगा। अरे ओए ओए, खुले माल वाली,
पहचाना? अबे उस्तादों की उस्ताद, उस दिन तो अपनी टिक टिक तुम तुम कर दिया। माफ करना यार, क्या है ना उस दिन और कोई मिला नहीं इसलिए तो मैं ही मिल गई। I'm sorry, माफ कर देना यार। चलो माफ किया, पर मैं सोच रही थी तू भी पॉकेट मार, मैं भी पॉकेट मार, यानी दोनों कलाकार तो एक दूसरे की पॉकेट मारने की बजाय अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो दुनिया की पॉकेट मार सकते। वेरी गुड आइडिया, मिला हाथ, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ओके? नहीं यार, तेरा गले से लाग यार, तेरा गले मिलने की आदत है। तेरा नाम क्या है? आशा, मगर सब लोग प्यार से मुझे आशा कहते हैं। सब लोग? आप उनको इस दुनिया में कोई है नहीं, आप उनका नाम है अनु। ये ले समझ, पर से कुछ माना नहीं है? पागल है। जब मैंने होश संभाला तो अपन का एड्रेस मिला, कह रहा फुटपाथ पर। लड़की के लिए सड़क पर रहना बड़ी संकट की बात है, साला जो भी देखता है पूरी नजर से देखता है। खाने को तो कोई 10 पैसा देता नहीं, पर ये जो इज्जत है ना इसके लिए 10 से 100 तक लगाने को तैयार है। अपन भी तंग आके कलाकार बन गया और धंधा चल पड़ा है? पर तू कैसे कलाकार बनी? अपनी भी अजीब कहानी है यार। एक भाई था, वो बचपन में घर छोड़ के चला गया। बाबा किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे, उसने उन्हें झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया और धोखे से माँ की इज्जत लूट। तुमने मुझे बुलाया? यस। क्या चाहिए, मर्दा या जिंदा? तुम उसे जिंदा लाओगे और मेरे हवाले करोगे। औरत या मर्द? बच्चा। ये काम किसी बच्चे को सौंपता? ये काम बहुत खतरनाक है ज्वाला, 24 घंटे चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा रहता है। इस काम को करने के लिए मेरे 2 आदमी पुलिस के हाथों मारे जा चुके हैं। बोलो। शादी के 20 साल बाद शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर जे एन आनंद के घर उनकी करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस पैदा हुआ है। अगर उस बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए तो वो सारी जायदाद किसी और के हक में आ सकती है, और वो आदमी मुझे इस काम के 20 लाख दे रहा है। 10 लाख मेरे, 10 लाख तुम्हारे। मिस्टर आनंद की कार का नंबर क्या है? MHD 5075। ऐसा बंदोबस्त करके रखा है, देखता हूँ अब वो बच्चे को कैसे लेके जाएगा। करेक्ट। नमस्ते सर। सब ठीक है ना? सब ठीक है, खुश आ रहे हैं? अच्छा सर, फिक्र की कोई बात नहीं, अब तो साहब भी आ गए। नमस्ते सर। मैम साहब कहाँ हैं? अपने बेडरूम में। आप यहाँ? अरे साहब तो यहाँ है, फिर वो कौन था जो ऊपर गया? ज्वाला, कहाँ ले जा रहे हो इस बच्चे को? तुम चाहते हो इसकी बलि दे दी जाए या इसे कचरा पेटी में फेंक दिया जाए, मगर तुम्हें इससे क्या मिलेगा? रुपया। अपने लालच के लिए तुम एक बेकसूर बच्चे को उसकी मां से अलग कर दोगे। एक दिन अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें भी तुम्हारी मां से किसी ने अलग कर दिया था, तुम्हें अनाथ बना दिया था। इस बच्चे की तरफ देखो जो तुम्हारे हाथों में है, क्या अपनी तरह का एक अनाथ तुम इस दुनिया को देना चाहते हो? बोलो ज्वाला, बोलो बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है? भगवान पर भरोसा रखो, हमारा मुन्ना हमें जरूर मिलेगा। बच्चा।
दिल धड़के
चलो चलो जल्दी चलो चलो। अरे ये नए बराती कहां से आ रहे हैं? शायद नागपुर जेल से आ रहे हैं। साले, तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। चलो ज्योति बाबा, बाबा ज्योति, बाबा ज्योति, बाबा मेरे बच्चे, मेरे बेटे, के बाद वक्त की आंधी मुझे जान ले गई। मैं गया, जिंदगी ने मुझसे जो कुछ करवाया मैंने किया। जुर्म करना अब मेरा पेशा है और जेल मेरा घर। मुझे मालूम था बेटे तू कभी घर वापस नहीं आएगा। लेकिन आप यहां कैसे पहुंचे? धर्मदास के साथ मिलकर मैंने जो पाप किए थे, मुझे न सिर्फ उनकी सजा बल्कि धर्मदास के पापों की सजा भी भुगतनी पड़ रही है। मैं समझा नहीं बाबा। बेटे मेरे घर छोड़ के जाने के बाद दिन रात ये किसके लिए आंसू बहाती रहती है? उस खूनी के लिए। खून उसने जानबूझ के नहीं किया, वो उसे बार बार सताते थे। हाँ हाँ, जरा सी किसी ने कुछ बात कहती तो खून कर दो उसका। तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ रखा था। कल को तुम्हारा खून कर सकता था, मेरा खून कर सकता था। वो तो शुक्र समझो बालिक ने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, वरना जो तुम्हारे लाडले ने किया था ना, आज हम सड़कों में भीख मांग रहे होते। नमस्ते बालिक, देने के लिए माफी चाहता हूँ। तुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। जी बहुत अच्छा। चल। पार्वती, पार्वती, पार्वती। क्या है जग्गा? मालिक ने तुझे फौरन आने के लिए बोला है। क्यों? तेरे खसम को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या? मालिक। हाँ आ जाओ। जाओ। नमस्ते मालिक। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आओ मालिक, क्या अपराध हो गया मेरे पति से? बैठो बता दो। बताइए ना मुझे। मैं तुम्हारे पति को बड़ा शरीफ और ईमानदार आदमी समझता था, मगर आज पता चला कि वो स्मगलर है, इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया उसे। सच? अब क्या होगा मालिक? वही जो तुम चाहो। बैठो बैठो ना। क्या बैठे? नहीं नहीं। जगा,
जगह मालिक ने मेरे पारों को बुलाया था यहाँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पड़ोसी कह रहे थे कि तू उसे बुलाने आया था। अरे तेरे से मजाक किया होगा उन्होंने। इतना बड़ा जुल्म हुआ और तुमने उस कमीने को छोड़ दिया। मैं करता भी क्या बेटे, वो बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा है, ताकत है, ऐसे लोग कानून और इंसाफ को खरीद सकते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बना सकते हैं। वो कुछ भी करें, दुनिया की नजर में मुजरिम नहीं, वो धर्म के अवतार हैं। वो धर्म के अवतार हैं और हम मुजरिम सिर्फ इसलिए कि मुजरिम की छाप एक बार हमारे माथे पर लगा दी गई है। बाबा ये छाप 50 बार लगे या 100 बार फर्क नहीं पड़ता, उस अधर्मी धर्मदास को जिंदा छोड़ देना दुनिया में सबसे बड़ा जुर्म है, जिसने उस देवी की इज्जत लूटी। बाबा मैं तुम्हारे नासों की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं उस धर्मदास को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कल जब सब कैदियों को काम पर लगाया जाएगा, हम वहां से भाग जाएंगे। रुक जाओ, मेरा पर्स? मैंने नहीं लिया। तुमको बोला, किसी ने तो जरूर चुराया। किसने? नहीं नहीं, आप तो जेंटलमैन है, आप कैसे मान। I'm sorry, किसी ने तो पर्स जरूर लिया। किसने चुराया पर्स? मैंने। किसने? आप भी जेंटलमैन है, आप भी नहीं मार सकते। कहां गया मेरा पर्स? हाँ, हमको क्या मालूम। अरे वाह वाह, तुम्हारे होटल में पर्स चोरी हुआ, क्यों हुआ कि नहीं? हाँ, और बोलते कि हमको क्या मालूम। घर से पर्स लाई थी क्या? आई, तुमको झगड़ा करना है, तुमको हमारे साथ झगड़ा करना है? नहीं नहीं, हमको जेंटलमैन खड़ा है उसके सामने, तुम एक जेंटल लेडी के साथ झगड़ा करेगा? नहीं नहीं, हमको नहीं लगता है। ठीक है ठीक है, अच्छा ऐसे करो,
हम बिल साइन करके जाते हैं, कल आके पेमेंट कर देंगे। आई एम सॉरी, पेमेंट कैश मांगता है, मैनेजर का हुक्म है। पेमेंट कैश मांगता है, हैं? Yes. क्या समझते हैं अपने आपको? हाँ, मैं तो यहाँ आकर पछताई, कितना फटीचर होटल है, यहाँ का वेटर फटीचर, यहाँ का मैनेजर फटीचर, यहाँ का बॉय फटीचर, यहाँ का खाना फटीचर, यहाँ का आने वाला जाने वाला सब फटीचर। हाँ, एक लेडी ट्रेवल में है और तुमको बिल का फिकर पड़ा। वेटर, कमिंग सर। यस सर। कितना बिल है? 4750। क्या? 4750। लड़की की चाय का इतना बिल? यस सर। वन प्लेट चिकन सैंडविच, वन प्लेट चीज, वन प्लेट शामी कबाब, वन प्लेट ब्रेड पकौड़ा, वन कप टी, वन। ठीक है ठीक है, मेरे बिल के साथ ले आना। जी, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मेरी बहुत मदद की, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इट्स ऑल राइट। लेकिन मेरा पर्स गया कहाँ है? जब मेरे भैया को ये बात मालूम पड़ेगी वो कितने नाराज होंगे। आपके भाई क्या करते हैं? वो फॉरेन में। फॉरेन? फॉरेन, फॉरेन में है ना, फॉरेन। मैंने आपको पहले कहीं देखा है? कॉलेज में देखा होगा। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं आप? थी, जब भैया स्टेज गए थे ना उसके पहले मैं कॉलेज में थी। कला मंदिर के स्टेज पे देखा है मैंने आपको। करेक्ट। आप ही थे ना? आपने देखा था ना? जी हाँ। लेकिन आप करती क्या है? लोक सेवा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। पिछले दो दिनों से मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए ढूंढ रहा हूँ। आप पिछले दो दिनों से मुझे मुबारकबाद देने के लिए ढूंढ रहे हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट। कीजिए। दुखियों की सहायता के लिए हम लोग एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, विश्वामित्र मेनका। मेनका के लिए कोई सूटेबल डांसर नहीं मिल रही। मेनका आप बन जाएं तो। मैं आपको कैसे ना कर सकती हूँ, आपने मेरी कितनी मदद की है, मेरी इज्जत रख ली, मुझे तो आपकी मदद जरूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं, आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। uh-huh. मेरे पिताजी का नाम उपी बख्शी है। वेरी गुड। और वो इस शहर के DIG ऑफ पुलिस हैं। uh-huh. क्या हुआ? खटमल, खटमल है। सॉरी, खटमल। आप अगर मुझे अपना एड्रेस दे दो तो मैं। देने की क्या जरूरत है, उससे क्या फायदा होगा? हाँ, मैं तो ज्यादातर घर से बाहर रहती हूँ, रोज सुबह जल्दी निकलती हूँ घर से लोक सेवा के लिए, रोज रात को लेट घर पर आती हूँ लोक सेवा करके। लेकिन इस वक्त मैं रोज यहाँ होती हूँ। पक्का? तो फिर ठीक है, हम लोग यहीं मिलेंगे। वेरी गुड। वेटर, जल्दी से साहब को बिल लेकर आओ। चाय पीएंगे? थैंक यू। मैं तुम्हारे जेल से निकालने की तरकीब सोच ही रहा था, ये पता चला तुम खुद ही जेल से निकल भागे। जवाब नहीं तुम्हारा। किस लिए बुलाया? तालाब मछलियों से भरा हुआ है, जाल भी है मगर जाल फेंकने वाला ही नहीं है। तुम्हारे बगैर मेरे बहुत काम अटके हुए हैं ज्वाला। अब मुझे उन कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? अब तक मेरे जीने का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं था, इसलिए मैं आवारा बगुले की तरह घूमता फिरता था। अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। रोजी कमाने के लिए? नहीं, अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए। तुम्हारे माँ बाप हैं? सगी माँ नहीं, ना ही बाप का पता है, मगर वो माँ बाप जानता हूं जिन्होंने मुझे कचरे की पेटी से निकाला, सीधे से लगाया, पाला पोसा, बड़ा किया। एक राक्षस ने मेरी देवी जैसी मां की इज्जत लूटी, उसने खुदकुशी कर ली। उसी राक्षस ने मेरे बाप को जेल भिजवा दिया। वो बदकार, दलील, दरिंदा जा कहीं भी है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसकी एक एक रक्त चीर डालूंगा, उसके खून से अपने मां बाप को तर्पण दूंगा। कौन था तुम्हारा बाप? राम सिंह। राम सिंह? उस आदमी को जानते हो? उस अवतार पुरुष को कैसे भूल सकता हूं मैं? मेरे बचपन को जलाकर मुझे ज्वाला बनाने वाला वही पहरुपिया तो है जिसके चेहरे पर धर्म का झूठा नकाब है। उसका नाम है धर्मदास। चलता हूं।
क्या चाहिए? बड़ा वाला ब्रेड है? हाँ है। दो देना। अच्छे बैठो, देता है। बड़ा वाला ब्रेड देना। जी बहुत बहुत मेहरबानी। वाह गुरु वाह, मान के क्या कमाल किया। क्या काम करते हो? वही जो तुमने देखा। तुम क्या करती हो? मैं टिक टिक तुम तुम नहीं समझे ना, खर्चा के समझ जाओगे। टिक टिक तुम तुम। वाह वाह वाह, क्या खुशखबरी लेकर आए हैं आप लोग। अकेले ज्वाला ने तुम सब का मुंह काला करके भेज दिया है। दूर हो जाओ यहां से, मैं तुम्हारी मनुष्य शक्ल नहीं देखना चाहता। गेट आउट। मालती आई जी। तुम तो ऐसे सज धज के आई हो जैसे तुम्हारे बेटे की बजाय तुम ही स्टेज पे अभिनय करने वाली हो।
चलो देर हो चुकी है, वहां हमारा इंतजार हो रहा होगा।
जिस आदमी से अपने माँ बाप का बदला लेना चाहते हो, ब्लैक बॉस तुम्हें उसका पता बता सकता है। क्या ठहरो, मैं पूछता हूं ब्लैक बॉस कहां है? बोल, ब्लैक बॉस कहां है? बताओ कौन हो तुम लोगों ने, तो मैं जान से मार दूंगा। बॉस का हुक्म है कि तुम्हें खत्म कर दिया जाए। बॉस, ब्लैक बॉस और धर्मदास एक ही आदमी के दो नाम है। आहिस्ता रखिए, बहुत बहुत मेहरबानी। आशु, जरा जल्दी से मोहरम पट्टी का सामान ला। अरे ये किसे ले आई? टिक टिक तुम। उस दिन मैंने तेरे को बताया था ना, एक आदमी ने बहुत सारे गुंडों की पिटाई की थी, ये वही है, ला। लेकिन इसकी ये हालत किसने कर दी? 19 साले गुंडों ने धोखे से मारा होगा इसको। तेरा कॉटन दे। आशु, आशु क्या हुआ? अनु, मैंने तुझे बताया था ना, भगवान ने मुझे एक भाई दिया था और भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया, और आज उसी भगवान ने मेरे भाई को मेरे पास भेज दिया। ये तू क्या कह रही है? हाँ अनु, ये मेरा भाई है। पर तू ये कैसे कह सकती है कि तेरा भाई है? अनु, ये देख, और ये देख, हाँ अनु, एक दिन बाबा ने चलती लकड़ी से भैया को मारा था और मैं बचाने के लिए बीच में आ गई, ये वही निशान है अनु। अच्छा, आशा, भैया, आशु मेरी बहन, भैया इतने दिन तुम कहाँ थे? मैं दुनिया की सैर कर रहा था।
तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने पापा को जेल भिजवा दिया और माँ यहाँ है मेरे पास। माँ जिंदा है? कहाँ है माँ? माँ, माँ इधर देखो, मैं हूं तेरा ज्योति। माँ देख, माँ कौन आया है? माँ, माँ मैं तेरा ज्योति हूं, तेरा ज्योति हूं माँ, इधर देख माँ। देखो ना माँ, अपने बेटे की तरफ देखो ना। माँ, माँ मैं तेरा ज्योति हूं। तेरा ज्योति हूं माँ, मैं हूं तेरा ज्योति। माँ, 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 जल्दी करो, हवाई जहाज के जाने का वक्त हो रहा है। सुनो, वही हीरे जवाहरात का बॉक्स लेकर तुम एयरपोर्ट पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। कमीने, अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। चले जाओ यहां से, वरना मेरा एक फोन तो मैं भी गिरफ्तार करवा सकता है। चले जाओ यहां से। Thank you.
ये क्या जबरदस्ती है? रोको मत! रोको रोको! तुम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं, चुपचाप बैठे रहो। अरे भाई बात क्या है, कहां ले जा रहे हो हमें? खामोश। मालती, मालती, क्या हुआ? अरे भाई जरा एक मिनट के लिए गाड़ी ठहराओ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ये बात नहीं भाई, बीमार है, बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है, मारी तो नहीं, चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें जरा भी दया नहीं? मेरी शक्ल देखकर भी तुम ये सवाल पूछ रहे हो? भाई सुनो, तुम्हें अगर गाड़ी ले जाना है तो ले जाओ, लेकिन भगवान के लिए मुझे मेरे क्लिनिक तक पहुंचा दो। ये पहले से बीमार है और अगर फौरन इलाज न किया गया तो मर भी सकती है। सुनो भाई, मैं डॉक्टर के नाते तुमसे विनती करता हूं। क्लिनिक कहां है? ले आओ भाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने बड़ा उपकार किया। अरे सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ज्वाला। कहां रहते हो? दुनिया की मरकट में। मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा कोई अपना है? कौन है? पुलिस। तुम क्या काम करते हो? खून। मेरे कहने का मतलब है बेटे, का बुरा नाम ना, तो एक बात पूछूं। पूछो। तुम्हारा जन्म स्थान कहां है? कचरा पेटी। मैं बच्चे को खत्म कर देना चाहता था डॉक्टर बोस, मगर ये बाप इन हाथों से हो ना सका, इसलिए मैं उस बच्चे को एक कचरा पेटी में छोड़कर चला आया। आशा, अनु, अनु, जल्दी यहां से निकल चलें। क्यों? धर्मदास से मैंने अपना बदला ले लिया है, अब हमें इस शहर में रहने की जरूरत नहीं। आशा कहां है? तो आशा जरा बाहर गई है। बाहर गई है इस वक्त? बस आती होगी। देखो अनु, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। नहीं तो मैं बताओ आशा कहां है? वो किससे प्यार करती है, उससे मिलने गई है। कौन है वो? डीआईजी पुलिस का बेटा अर्जुन बख्शी। क्या वो भी उससे प्यार करता है? हाँ, शादी करना चाहता है। तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर का बेटा है। ओ, तो पुलिस ऑफिसर का बेटा प्यार नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता? कर सकता है, मगर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मैं ज्वाला हूं? कहीं उनको पता चल गया तो आशा का प्यार उसके लिए अंगार बन जाएगा, जिसमें हम सब जलकर राख हो जाएंगे। मगर उनको पता कैसे चलेगा? तुम्हारी पिछली जिंदगी के बारे में आशा को कुछ भी मालूम नहीं, वो सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानती हूँ और भगवान जानता है, और हमारे तीनों में से कोई भी पुलिस का दोस्त नहीं। और जिंदगी में था भी क्या? दिन रात अपनी जान का खतरा, 24 घंटे पुलिस का डर। तुम्हें जिसे बदला लेना था वो तुम ले चुके हो, वो बात खत्म हो चुकी है। अब आशु के लिए तुम्हारे सिवा है भी कौन? माँ बाप सब तुम्ही तो। क्या उसकी खुशी की खातिर तुम अपनी पिछली जिंदगी नहीं छोड़ सकते? हाँ, नहीं छोड़ सकते।
संभालते? डॉक्टर अंकल कहाँ है वो? चला गया। चला गया? उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा शक शायद ठीक है। डॉक्टर अंकल, मैंने भी उसे गौर से देखा, बिल्कुल वही सूरत, हो सकता है तुम्हारा ही बेटा हो। मेरा बेटा? मेरा बेटा? मगर तुम्हारे पिता ने तुमसे झूठ कहा था कि पैदा होते ही वो मर गया। अगर अगर तुम्हें ये पता चलता कि वो जिंदा है तो तुम नई जिंदगी शुरू नहीं कर पाती, शादी नहीं करती। यही सब सोचकर तुम्हारे पिता ने उसे कचरा पेटी में फेंक दिया। तुम्हारी शादी के बाद मुझे ये सब बातें मालूम हुई। हमें फख्र है कि पुलिस डिपार्टमेंट में तुम जैसा ऑफिसर मौजूद है जिसे अपनी जाती जिंदगी से अपने फर्ज की ज्यादा फिक्र है। हम ये भी जानते हैं कि ज्वाला को पकड़ने के लिए तुम दिन रात कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। हम समझते हैं कि ज्वाला के केस के लिए अगर एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाए तो तुम्हें काफी सहूलत हो जाएगी। यस सर। सेंड द स्पेशल ऑफिसर इमीडिएटली। गुड मॉर्निंग सर। इनसे मिलो, DIG पुलिस मिस्टर OP बख्शी, जो तुम्हारे काम में तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे, और यह है स्पेशल ऑफिसर मिस्टर अर्जुन बख्शी। नाइस मीटिंग यू। हाउ डू यू डू? फाइन थैंक यू। उस आदमी को आपकी मिसेज ने देखा है ना? उसे देखते ही वो बेहोश हो गई थी डर के मारे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उस आदमी को आपकी मिसेज ने देखा है या नहीं। हाँ देखा है। मिसेज मालती बख्शी, इन लोगों को देखिए और बताइए, जिस आदमी ने आपको धमकी दी थी और आपकी कार उड़ा ले गया वो इनमें से तो कोई नहीं है। क्या कर रहे हो बेटा, सुबह से अपनी माँ को पुलिस स्टेशन पर बुला लिया और अब इन सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया। आखिर इन्हें किस जुर्म की सजा दी जा रही है? डॉक्टर बोस, जुर्म मुजरिम करते हैं और जुर्म जब तक साबित नहीं हो जाता मौके के गवाह को यह सजा भुगतनी ही पड़ती है। गौर से देखिए, मिसेज मालती बख्शी, क्या वो आदमी इनमें से कोई है? आप उसे पहचान सकती हैं? वो आदमी इनमें से है? नहीं, वो आदमी इनमें नहीं है। डॉक्टर बोस, आप इन्हें ले जाइए। चलो मालती। इंस्पेक्टर। यस सर। इन्हें भेज दो। यस सर। चलो चलो। एक्सक्यूज मी, कैन आई कम इन? Yes. My name is Kishore. जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया। आइए कहिए। काफी बरस मैं अमेरिका में था, हाल ही में हिंदुस्तान लौटा। ओ आई सी, वहां आप क्या करते थे? वहां एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बाहर मुल्कों में मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है आप लोगों की मेहरबानी से। अब मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। यहां पास ही रहता हूं, रॉक विला। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कुछ दिनों से एक आदमी मुझे फोन पर कतर की धमकियां दे रहा है। उस आदमी को जानते हैं आप? वो जी नहीं। और आज ये खत मिला है, इसमें भी वही धमकी लिखी है।
ज्वाला? हाँ ज्वाला, क्या आप जानते हैं उसे? हाँ, एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। खतरनाक मुजरिम? लेकिन उसका मैंने क्या बिगाड़ा? वो मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? आप नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूं। इससे पहले भी वो कई कत्ल कर चुका है। मगर क्यों? आप जैसे बड़े लोगों से रुपया हासिल करने के लिए। आप उसके बारे में इतना कुछ जानते हैं तो फिर आपकी पुलिस उसे पकड़ती क्यों नहीं? वो एक बुजदिल आदमी है, जुर्म करता है और कहीं छिप जाता है। मगर चोर और डाकुओं का तो काम ही यही है। ये तो पुलिस वालों का काम है कि हर वक्त होशियार रहे ताकि उन लोगों को कुछ करने का मौका ही ना मिले। यू आर राइट मिस्टर किशोर, मैं इसी काम में लगा हूं। अगर ज्वाला मुझे एक बार दिखाई दे जाए तो फिर वो नहीं बचेगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि वो कभी भी आपके सामने आया आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए कोई भी कसर नहीं उठा रखेगी। थैंक यू वेरी मच। सुनिए जी, आपको कोई और फोन या खत आए तो फौरन मुझे खबर दीजिए। जी डेफिनेटली, बाय। चलो जल्दी चलो खाना। ये क्या है? ये बात यह है कि अमेरिका में रहते रहते ये पहनने की आदत पड़ गई है। ये पहनने से बहुत साफ दिखाई देता है। चलो सर, ये वो आदमी है जिसने मिस्टर धर्मदास का कत्ल होते हुए देखा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर ये गुंगा है, बोल नहीं सकता। ओ ऐसी, तो धर्मदास का कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा है? मैं कहता हूं बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो, ये कत्ल तुमने किया है। तुम कातिल कौन है? जवाब दो नहीं तो हड्डी पसली ये कर दूंगा। तस्वीर बना के दिखा सकते हो? मिस्टर अर्जुन, मैं किशोर बोल रहा हूं। यस मिस्टर किशोर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कहिए। कल रात को ऐसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे बेडरूम की खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था। मैंने फौरन जाकर लाइट ऑन की और खिड़की खोली। मुझे देखते वो आदमी भाग गया। मुझे डर है मिस्टर अर्जुन, कहीं ये वही ज्वाला तो नहीं? आप कहां हैं? घर पे हैं? हाँ मिस्टर अर्जुन, प्लीज आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप वहीं इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूं। जी हाय अर्जुन। तुम यहां कैसे? ये मेरा घर है। तुम्हारा घर है? मिस्टर किशोर मेरे भाई हैं। अच्छा, चलो इस बहाने तुम्हारा घर तो देख लिया। मैं मिस्टर किशोर से मिलने आया हूँ। हेलो मिस्टर अर्जुन। हेलो मिस्टर किशोर, सॉरी आई केप्ट यू वेट। नहीं कोई बात, डिड यू वेट लॉन्ग? नहीं 5 मिनट। अरे भाई मेरे दोस्तों से मिलो। आप हैं मिस्टर अर्जुन बख्शी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, मिस्टर विल्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर एंड कंपनी, मिस्टर जमील अहमद, माय पीआरओ, माय पार्टनर मिस्टर रंगराज, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर बेदी। अच्छा मिस्टर किशोर चलते हैं। ओके देन, बाय बाय। अरे भाई एक इंट्रोडक्शन कराना तो मैं भूल ही गया। यह है मेरी बहन आशु और आप हैं भैया। मैंने आपसे कहा था ना वो यही है वो। अच्छा अब समझा, तभी मेरे आने से पहले तुम दोनों में खुसर खुसर चल रही थी। मैं तो आप ही से बात करने आया था, आपने वो जो फोन किया था वो तो प्राइवेट बात है। चलिए ना, रास्ते में कर लेंगे। कल रात जिस आदमी को आपने देखा आप उसे पहचान सकते हैं? क्या वो पकड़ा गया? पकड़ा तो नहीं गया लेकिन पकड़ा जाएगा। ये देखिए, हाँ
अरे हाँ, यही है वो आदमी, बहुत भयानक है। लेकिन इसकी तस्वीर आपके पास कैसे आई? एक गूंगे कलाकार ने बनाई है, उसने ज्वाला को धर्मदास का खून करते देखा। वाई सी। उसका दावा है कि ज्वाला कोई भी रूप बदल ले वो उसे पहचान सकता है। फिर तो ज्वाला सिंह आपकी मुट्ठी में है। सरकार ज्वाला सिंह को पकड़ने का इनाम देगी सो देगी, मैं अपनी तरफ से आप 1,00,000 रुपए दूंगा। नो थैंक यू, ज्वाला को पकड़ना मेरी ड्यूटी। एक्सक्यूज मी, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, बाय बाय। कौन हो तुम? समझा, वही गूंगे हो जिसने पुलिस को मेरी तस्वीर बनाकर दी थी। हाँ, ज्वाला सिंह। गूंगा बोलता भी है? सिर्फ वक्त पर। अच्छा, पुलिस के सामने गूंगा बनने की क्या जरूरत थी? वो ज्यादा परेशान न करे। तुम चाहते क्या हो? 1,00,000 रुपया मुंह बंद रखने के लिए। मिल जाएगा, मगर तुम रहते कहाँ? शमशान गेट के पास पहला झोपड़ा। ज्वाला मर गया। साहब, साहब, बधाई हो, बधाई हो। किस बात की? हाँ, जिसके लिए आप दिन रात परेशान रहते थे, उसने खुदकुशी कर ली। किसने खुदकुशी कर ली? ज्वाला सिंह ने। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, 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 हटो। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राजा! गूंगे की लाश गायब कर दो। मैं तो कहता हूं वो जो कोई भी था, उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा ही किया। अगर वो जिंदा रहता तो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता और कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा देता। लेकिन शायद सौदा उसे मंजूर नहीं था, इसलिए वो दुनिया और दुनिया वालों की सजा से खुद ही मुक्त हो गया। बेटी, तुम भी अपने दुख से मुक्त हो जाओ। ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालय ऋणक्षयक्ष यातिका तंत्र निवेदना। इसका मतलब है पशु, पत्नी, संतान और मकान, ये सब ऋण के बंधन है, यानी कर्ज के रिश्ते हैं। ये वो कर्ज है जो हमने पिछले जन्म में लिए थे। जब ये कर्ज चुका दिया जाता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। बेटी, तुम भी समझ लो कि तुमने अपना कर्ज चुका दिया और इस रिश्ते को खत्म कर दिया। डैडी, डैडी, ये है मिस्टर किशोर। अच्छा, तो आप हैं। नाइस टू मीट यू मिस्टर बख्शी। हाउ डू डू मिस्टर किशोर, आइए बैठिए। आपका जिक्र तो बहुत सुना है अर्जुन से। प्लीज कहिए, क्या हाल है? जो दो पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान बैठा हो उसका क्या हाल होगा?
फर्स्ट क्लास। बहुत हाजिर जवाब हैं आप। थैंक यू। मैं मम्मी को लेकर आता हूँ। क्या देख रहे हैं आप कि ये मकान आपकी बहन के लायक है या नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो देख रहा था कि मैंने आज तक किसी पुलिस ऑफिसर का ऐसा शानदार मकान नहीं देखा। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपका मतलब। अक्सर बहुत सारे लोग ये बंगला देखकर चक्कर में आ जाते हैं। दरअसल ये बंगला मेरा नहीं है, मेरी बीवी का है। मेरे ससुर की मौत के बाद उनकी सारी जायदाद मेरी बीवी को मिल गई, इसीलिए बंगले का नाम रखा गया है मालती महल। आई सी। मिस्टर किशोर, ये है मेरी मम्मी। नमस्ते जी। मालती, तुम इस तरह खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ ना। बैठिए ना, इनसे मिलो। मालती, अर्जुन जिस लड़के की बात कर रहा था ये उसके भाई हैं, रिश्ते की बात करने आए हैं। मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है, अगर तुम्हें कुछ बात करनी हो तो कर लो, मैं कपड़े बदल के आता हूं। अर्जुन, इस बंगले का आर्किटेक्ट कौन है? क्या नाम था? भाई अर्जुन, इस बंगले की तरफ इनका बहुत ध्यान है, इन्हें अच्छी तरह से बंगला दिखा दो। अच्छा भाई, ये सोफा का आइडिया मम्मी का है और ये टीवी यहां रखने का आइडिया मेरा है। आई सी, गुड। अर्जुन, ये टेडी का आइडिया। मां, तुम पीछे की रह आओ ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल फोटोग्राफ। दैट्स माय सिलेक्शन। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा बना है। अच्छा, तो ये हमारा डाइनिंग सेक्शन है और वो कमरा उधर जहां मैं रहता हूं। आ जाओ। मम्मी, मम्मी जरा, मैं जरा। चलिए। हेलो, हाँ अर्जुन बख्शी है। अशू, हाँ सब ठीक जा रहा है, सब ठीक जा रहा है। हाँ तुम बोलो, क्या कर रही हो? बंगला बहुत बढ़िया है। क्या ये दूसरा बेडरूम है? आई सी, लवली, सुपर, एक्सेलेंट। बेटे, मैं एक बात पूछूं, बताओगे? आप यही पूछना चाहती हैं ना, क्या तुम वही ज्वाला नहीं जो उस रात धमकी देकर मेरी कार लेकर भाग गया था? यही ना? हाँ हाँ, वो मैं ही था। तो फिर जो मर गया? मेरा दूसरा रूप। मैं जो कुछ भी, मैं सच कहता हूं, मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है, उसकी खुशी के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं। मुझे उम्मीद है मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी आप उसे अपनी बहू बनाने से ना नहीं करेंगी। एक बात और बताओ बेटे, क्या आशा तुम्हारी सगी बहन है? तुम्हारा उसका एक खून है? मेरी रगों में किसका खून है ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। माँ बाप, भाई बहन, कोई भी तो नहीं जिसे मैं अपना सगा कह सकूं। तो तुम, क्या तुम्हें अपने जन्म के बारे में कुछ नहीं मालूम? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कचरा पेटी में पड़ा पाया गया था। कचरा पेटी में? हाँ। आशा उस देवी की बेटी है जिसने मुझे कचरे से निकाल कर सीने से लगाया, मुझे पाला पोसा
मेरी खातिर दुख सहे। बेचक्तो, तुम नहीं जानते तुम्हारी असली माँ कौन है? माँ? लोग कहते हैं माँ शब्द बहुत पवित्र है। प्यार, दया, ममता और बलिदान का नाम माँ है। भगवान का दूसरा रूप माँ है। मगर ये शब्द सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। मेरा बस चले, अगर मेरी माँ मुझे मिल जाए तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूं। अपनी हवस को पूरा करने के लिए उसने पाप किया और अपने पाप को छुपाने के लिए मुझे शहर की गंदगी में फेंक दी। बताइए, ऐसी डायन को कोई कैसे माँ कह सकता है? कैसे माँ कह सकता है? कैसे माँ कह सकता है? माँ जी, माँ जी, अर्जुन, मिस्टर अर्जुन, देखिए ना क्या हुआ। माँ, माँ, माँ को कभी-कभी ऐसे गश के दौरे पड़ते हैं। चलो ऊपर ले चलें। क्या बात है मालती? मैंने आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या किया है तुमने? जो एक औरत को शोभा नहीं देता। क्या है, कुछ बताओ भी तो। अभी जो आदमी आया था मिलने, किशोर, वो मेरा बेटा है। क्या? मेरे उस पाप का फल है जो मैंने शादी से पहले किया था। पिताजी ने मुझे विश्वास दिलाया था कि उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, मगर अब मुझे पता चला कि उन्होंने आपको अंधेरे में रखा। किशोर जानता है वो तुम्हारा बेटा है? नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ और उसे यहाँ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्यों? वो नहीं। वो क्या? उसे आप यहाँ नहीं ला सकते। आपको उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए। क्यों? आप उसे यहाँ नहीं रख सकते। मगर क्यों? वो मुद्रे में ज्वाला सिंह है। ज्वाला? ज्वाला मरा नहीं, वो जिंदा है। एक पुलिस ऑफिसर की बीवी और एक पुलिस ऑफिसर की मां होते हुए तुमने ये राज छुपाए रखा? तुम जैसी औरत अपने पति के मुंह पर एक तमाचा है, अपने बेटे के लिए एक गाली और समाज के लिए कलंक का टीका। ज्वाला तुम्हारा बेटा सही, मगर अब वो नहीं बचेगा। बेटा, बेटा मेरी बात तो सुनो।
ऐसी फटी फटी आंखों से क्या देख रहे? हैरान हो कि अब तक जिंदा कैसे? मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता। दर्द दो मुझे बेटा का। आज तक सिर्फ अपनी मां से नफरत करता था, लेकिन तुमने आज जो किया उससे दुनिया की हर मां से नफरत हो गई है। मैंने तुम्हारा विश्वास किया और तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया, मगर तुमने मेरा विश्वास करा दिया, अपने बेटे को मेरे पीछे लगा दिया ताकि इस दुनिया में उसका नाम हो, उसका मान हो। मैंने सोचा तुम एक माँ हो, तुम्हारा एक बेटा, तुम्हारे सीने में भी माँ का दिल होगा। मगर तुम एक औरत के रूप में नागिन निकली, ये मैं नहीं जानता था कि तुम मेरी मां से भी ज्यादा जलील हो, उससे भी बड़ी डाल। ऐसे मत कह बेटे, ऐसे मत कह। जो मैंने पाप किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तेरी रक्षा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। हाँ। जाके तुम मुझे किसी कमरे में बंद करके अपने बेटे के हवाले कर दो। ऐसे मत कह बेटा, मैंने जानबूझ के तुझे कोई दुख नहीं दिया। मेरा विश्वास कर बेटा। चल चल मेरे साथ, देख कोई आ रहा है, चल। माँ क्या है बेटा? कहाँ है वो? वो कौन? तुम्हारा बड़ा बेटा। वो यहाँ क्यों आएगा? वो यहाँ आया है या नहीं? नहीं। सच कह रही हो माँ? हाँ मैं सच कह रही हूँ। ये लहू भी सच बोल रहा है, ये लहू के निशान भी सच बोल रहे हैं। बोलो तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? मां बोलो तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? अर्जुन रुक जाओ, मेरी बात मानो, उसे कुछ मत कहो, उसे जाने दो बेटा। बेटा क्यों के वो तुम्हारा बेटा है और अपने बेटे को बचाना तुम्हारा धर्म है, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं मां, और एक मुजरिम को पकड़ना मेरा धर्म है। छोड़ दो मां। मालती, क्या हुआ मालती? क्या हुआ मालती? क्या हुआ मालती? कुछ नहीं। तो फिर तुम चिल्ला क्यों रही थी? बख्शीश साहब, कमजोरी की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, इन्हें आराम की जरूरत है। अगर आप लोग बुरा ना माने, प्लीज। ऑफ कोर्स, थैंक यू। मालती, ये क्या बचपना है? रज्जुम सर्पम मन्यते, जहां रस्सी देखे समझ लिया सांप है। नहीं डॉक्टर अंकल, ये सचमुच वही है। ज्वाला सिंह मारा नहीं, वो जिंदा है। ये तुम कैसे कह सकती हो? खुद उसने मुझे बताया। आशु, आशु, क्या खबर है? उन लोगों ने हाँ कर दी। आशु का? पहले मुझे बताओ ना, हाँ कर दी? हाँ अनु, अर्जुन के माँ बाप मान गए। आशु,
आशु की तो शादी अब हो जाएगी, उसके बाद? उसके बाद? हाँ उसके बाद, उसके बाद टिक टिक टुंग टुंग। फिर तो रब ही रब है, फिर तो रब ही रब है। इसका क्या सबब है, इसका क्या सबब है। आँख लड़ गई है, आँख लड़ गई है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। दिल धड़क रहा है, इसका ये मतलब है। दिल धड़क रहा है, कहने दो खुल के इस बहार में।
मतलब है। इसका ये मतलब है, दिल धड़क रहा है, आह दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, आह दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। अरे भाई अर्जुन, इस बंगले के आर्किटेक्ट को जल्दी बुलाओ। क्यों? वो दरवाजे चौड़े कर रहे हैं ना। किस लिए? खाना इतना मजेदार है कि शादी के बाद इस घर का खाना खाकर मेरी दुबली पतली बहन जरूर टुन टुन बन जाएगी। मजाक करना तो कोई आपसे सीखे। जरा सर आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें जरा कहो बैठे, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो बेदी साहब। माफ कीजिएगा सर, लगता है मैं गलत वक्त नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक वक्त पे आए हैं। आज अर्जुन का बर्थडे है। अच्छा, ओ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। अरे सूखा थैंक्स क्या, कुछ खिलाओ पिलाओ इन्हें। माँ, अरे नहीं 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 मिस्टर अर्जुन, सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें। खैर बैठिए तो। एक मिनट मिस्टर किशोर। जेलर साहब, यह है मिस्टर किशोर, मेरे होने वाले ब्रदर इन लॉ। किशोर, मिस्टर बेबी। ग्लैड टू मीट यू। हाउ डू यू डू? फाइन थैंक यू। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अरे भाई हमारा तो पेशा ही ऐसा है, किसी भी शरीफ आदमी को पहली बार देखते हैं तो हमें शक होने लगता है। अच्छा बख्शी साहब, इजाजत दीजिए। नमस्कार। सी यू। सी अर्जुन। अरे भाई आशु। आई भैया। चलो भी चलती हूँ माँ जी। जीती रहो बेटी। मैं भी आया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ बुलाया और आपको तकलीफ दी। बात असल यह है कि मुझे शक है कि मिस्टर किशोर और ज्वाला सिंह एक ही आदमी के दो नाम हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही तो हमें मालूम करना है। ज्वाला सिंह की मौत के बारे में अभी तक हम लोग पूरी तरह कुछ नहीं कह सकते। उस मिस्टर किशोर और ज्वाला सिंह की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। कई आदमियों की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, मगर उसको पहचानने का एक तरीका है। ये देखिए, जेल से भागते वक्त उसकी दाहिनी पिंडली पर गोली लगी थी। पिंडली का वो निशान जरूर मौजूद होगा। उसकी करीब की नजर कमजोर है, पढ़ने के लिए उसे इतने करीब से देखना पड़ता है। उसके अलावा पुलिस रिकॉर्ड में उसकी उंगलियों के निशान मौजूद है। अगर एक बार शक पैदा हो जाए तो शक दूर कर लेने में कोई अर्थ नहीं। वाह वाह, बड़े सरप्राइज। आप टेनिस भी खेलते हैं? कभी कभी खेलता हूं। रैकेट बहुत अच्छा है। अरे खड़े क्यों, खड़े ना। क्यों, कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? बिना काम के मैं इस घर में नहीं आ सकता। अरे भाई तुम मानो या ना मानो, तुम आयो किसी जरूरी काम से, लेकिन तुम्हारा काम होने वाला था। मतलब? अब मतलब यह कि बिना वर्दी आए हो और आशा घर पर नहीं है। अरे शंकर जी, कुछ पीने के लिए लेकर आओ भाई। ये नीचे क्या देख रहा है, गिर गया क्या? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। आपका चश्मा बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। कैन आई सी इट? हाँ ऑफ कोर्स। थैंक यू। नंबर ग्लासेस नहीं है, सिर्फ सन ग्लासेस हैं।
आपका असली रंग यही है। क्या मतलब? मेरा मतलब आपकी आंखों पर। ओह नो, जब मैं अमेरिका में था तो फैशन के लिए ये कॉन्टैक्ट लेंस लगवाए थे, देखिए ना। ये रहे। अरे वाह, लाओ। हाँ, थैंक यू। चेस। एक बात बतानी आपको, मैं भूल ही गया। क्या? हम सब सोचते थे कि ज्वाला सिंह मर गया है, लेकिन वो जिंदा है। हाँ, आप कैसे जानते? तुमने तो अभी कहा था। हाँ, हाँ। मुझे मालूम है तुम मुझे डराने के लिए मजाक कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, उसके खिलाफ कितनी शिकायतें हैं, पढ़िए। इसका मतलब है ज्वाला सिंह अभी तक लोगों को डरा धमका कर लूट रहा है। क्या देख रहे? पढ़ लिया। हाँ। क्यों? नहीं। मेरी नजर कमजोर नहीं है, अब पढ़ सकता हूँ। देखो। अरे, I'm sorry। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Clumsy। अरे शंकर, ओ शंकर, जल्दी कपड़े लाइए। क्या साफ करना नीचे? ठीक है, जा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, ठहरा थोड़ी देर, मुझे कहीं पहुंचना है प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप ख्वामखा शक कर रहे हैं, किशोर की उंगलियों के निशान जो उसके लाइटर से मिले हैं पुलिस के रिकॉर्ड से नहीं मिलते। मिस्टर अर्जुन बख्शी, उंगलियों के निशान जो तुम लाए हो मैंने भी देखे हैं, उनमें लकीरें गुम हैं। ये पतली पतली लकीरें जो हर आदमी की उंगलियों पे होती हैं, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। सही नतीजे पे पहुंचने के लिए किशोर की उंगलियों के सही निशान मिलने चाहिए। नहीं, मेरे भैया ऐसे आदमी नहीं है। वो तो मैं भी जानता हूँ। तो फिर बार बार वही सवाल क्यों करते हो? मेरी ड्यूटी। तुम्हारी ड्यूटी ये भी तो है कि कोई उनके नाम पे कीचड़ ना उछाले। वो तो हम दोनों का फर्ज है आशु, लेकिन किया क्या जाए। सरकार को शक हो गया है कि तुम्हारा भैया जेल से भागा हुआ एक मुजरिम है, एक खूनी है, ज्वाला सिंह। नहीं, सरकार का शक झूठा भी तो हो सकता है। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। मैं भी तो यही साबित करना चाहता हूँ आशु, अब इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध, अपने भैया की इज्जत की खातिर मुझे अपने भैया की उंगलियों के निशान ला दो। जूस पी लो। ये भी कोई जूस का वक्त है? जूस पीने का भी कोई वक्त होता है? मैं इतने प्यार से निकाल कर आई हूँ, तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अच्छा, सुनो, ग्लास पर उंगलियों के निशान इतने साफ नहीं होंगे। तुम कागज लेकर आ, उस पर मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियों के निशान दे देता हूं। मुझे मालूम है तुम्हें अर्जुन ने भेजा,
वो ये साबित करना चाहता है कि मैं ज्वाला हूं। अर्जुन ये साबित करना चाहता है कि तुम ज्वाला नहीं हो। सरकार का शक छूटा है। मेरा दिल कहता है तुम ज्वाला नहीं हो। मेरी भोली वाली बहन, कुछ लोग सांप को पकड़ने के लिए सारा घर खोद डालते हैं और जो अकलमंद है घर के बाहर बैठकर बीन बजाता है ताकि सांप अपने बिल से बाहर निकल आए और वो उसे आसानी से पकड़ ले। अर्जुन भी यही कर रहा है। बहुत अकलमंद है। सरकार का शक सच्चा है। आशु, मैं ही ज्वाला हूं। वही ज्वाला जिसका जिक्र सुनते ही पुलिस वालों की नींद हराम हो जाती है, जिसके नाम से दुनिया थर थर कांपती है। ज्वाला के जुल्मों की कहानी तो हर कोई जानता है, मगर वो क्यों ज्वाला बना वो कहानी कोई नहीं जानता। वो बताने की जरूरत भी नहीं है। ये राज आज तक मैंने तुमसे छुपा रखा ताकि तुम्हारे दिल को तकलीफ ना हो। और आज तुम्हारी खातिर ये राज तुम पर खोल रहा हूं। ये मेरे हाथ का निशान जाकर अर्जुन को दे दो। उससे कहो आकर मुझे गिरफ्तार कर ले। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। अगर तुम्हारी मदद से अर्जुन मुझे गिरफ्तार कर लेगा तो उसकी नजर में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत होगी। तुम्हारे भ्याता जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मुझे ऐसी खुशियां नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़े। हम दोनों का फूल का रिश्ता रहते किस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है मैं नहीं जानती, मगर मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम एक दूसरे को सबों से भी ज्यादा प्यार करते। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तो क्या मैं तुम्हारे लिए ना भी नहीं कर सकती? कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगी। तेरा मेरा साथ कब का टूट चुका है। बहन और बेटी पराया धन है। जब उसकी शादी की बात पक्की हो जाती है तो फिर वो पराई अमानत है। पहले रिश्ते सब टूट जाते हैं। नहीं भैया, नहीं। ये क्या? क्या है? ट्रांसमीटर। ये भी अर्जुन का काम। चलो अच्छा हुआ उसने सारी बात सुन ली। अब क्या होगा? जब मछेरा पानी से भरे तालाब में अपना जाल फेंकता है तो मछली इधर से उधर भागकर अपनी जान बचा सकती है, लेकिन अगर तालाब का सारा पानी निकाल दिया जाए तो मछली अपनी जान कैसे बचाए? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं, नहीं, चलो यहाँ से भाग। चलो नहीं आशु, मैं कहती हूँ यहाँ से चलो। नहीं आशु, मैं कर सकता। आशु चलो। आशु लेकिन लेकिन अनु इन एक बार खुद कर लेगी। चलो आशु।
तुम यहां? ज्वाला किधर है? शमशान में। शमशान? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी ज्वाला है। ओ शट अप, मैं पूछ रहा हूँ ज्वाला सिंह किधर है? मैं किसी ज्वाले वाले को नहीं जानती। नहीं जानती तो उस बंगले में करने क्या गई थी? आप क्या करने गए थे? मैं अपने काम से गया था। मैं भी अपने काम से गई थी। क्या काम? टिक टिक तुम तुम। बकवास बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। मिस्टर किशोर से मिलने गई। वो किशोर नहीं ज्वाला है। वो मैं नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, सीधी तरह बता दो वो कहां छुपा है। मेरे दिल में। मजाक बंद करो और कान खोलकर सुन लो। तुमने अगर पुलिस का साथ नहीं दिया तो जेल भिजवा दी जाओगी। भिजवा दीजिए। तुम क्या समझती हो, वो तुम्हें जेल से निकालकर ले जाएगा? जरूर ले जाएगा, मर्द से प्यार करती हूँ। तुम एक बेवकूफ लड़की हो, क्यों एक मुजरिम की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे उसका पता बता दो। यानी आपका काम मैं कर दूं, मगर तनख्वाह तो आपको मिलती है। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलवा दूंगा, बहुत बड़ा इनाम। बहुत बड़ा इनाम? तो उसे आप रख लीजिए, आपके पास खाने पीने को बहुत है। तुम इस तरह नहीं बकोगी। इंस्पेक्टर। यस सर। इसे हवालात में बंद कर दो। अर्जुन बख्शी है सर, ज्वाला मैं कहता हूं रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। जाकर डॉक्टर ले आओ। ज्वाला, ज्वाला, मैं मरना नहीं चाहती ज्वाला, मेरा सपना, मेरा सब सपना अधूरा रह गया। मैं जीना चाहती हूँ, आप बचा लो अनु। अनु नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अनु, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती अनु। अर्जुन, आज मेरा कोई नहीं रहा जिसे मैं अपना कहकर पुकार सकूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक अनु थी जो मेरी थी, मेरी
नफरतों ने उसे भी मुझसे छीन लिया। नफरत और इंतकाम की आग जो मैंने बुझा दी थी, तूने आज उसे फिर से जिंदा कर दिया। याद रख, ये आग तुझे और तेरे सारे खानदान को जला देगी। मैं 24 घंटों के अंदर तेरी जान ले लूंगा। हेलो, मैं ज्वाला बोल रहा हूँ। किशोर? किशोर नहीं, ज्वाला। आपके बेटे ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी अनु की जान ली है। 24 घंटों में उसकी लाश लाकर मैंने आपके कदमों में न फेंक दी तो मेरा नाम भी ज्वाला नहीं। नहीं, हेलो, बाहर मत जा। क्यों? मेरा दिल कांप रहा है, तू ये नौकरी छोड़ दे। नौकरी छोड़ दूं? हाँ, मगर किस लिए? ये अभी जो फोन आया था इसलिए। तुम चाहती हो कि मैं उस बुजदिल की धमकियों से डर जाऊं और चूड़ियां पहन के घर बैठ जाऊं? बेटा मेरी बात सुन, मेरे कहा मान। कोई खास वजह है जिसके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ? वजह मैं अच्छी तरह जानता हूँ माँ। तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र है, मां की ममता ने तुम्हें इस वक्त कायर बना दिया है। मगर एक बात सोचो, उस हत्यारे ने बेकसूरों पर जुल्म किए, अगर कल वैसा ही तुम्हारे घर में हो, तुम्हारे पति के साथ, तुम्हारे बेटे के साथ, और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रहे, उस वक्त तुम क्या करोगी? उसने कहा है ना कि 24 घंटों में वो मेरी लाश लाकर तुम्हारे कदमों में फेंक देगी। अगर 23 घंटों के अंदर जिंदा या मुर्दा मैं उसे सरकार के हवाले नहीं कर दूं तो मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के लायक नहीं। डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, भगवान के लिए मेरी सहायता कीजिए। डॉक्टर अंकल, आपको मालूम है किशोर कहाँ छुपा हुआ है? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। आप जाके उसको समझाइए कि बेटा, तुम जिसकी जान लेना चाहते हो वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना भाई है। मुझे विश्वास है वो अपने भाई की जान बख्श देगा। इसका क्या भरोसा कोई मेरी बात मानेगा? मैं उसका कौन हूँ? वो दोनों तुम्हारे बेटे हैं, इसका कहकर तुम्हारे सवाल कौन दिला सकता है? ये बात तो तुम्हें जाकर कहनी पड़ेगी। मुझे? मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ और तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा बाहर। पर मैं उसे जाके क्या कहूंगी? वही जो सच है। सच? पालती, अब सच कहने का वक्त आ गया है। अगर अब भी तुम इस राज को छुपाए रखोगी तो अपने दोनों बेटों में से एक की मौत के जिम्मेदार तुम होगी। नहीं नहीं नहीं। अर्जुन, आप तेरी जान लेना एक सेकंड का काम है, मगर मैंने कहा था तेरी जान 24 घंटों में लूंगा। सुन ले, Thank you.
आ गई अपने बेटे की जान बचाने के लिए। हाँ? मैं तुमसे भीख मांगने के लिए आई हूँ। ये रुपए पैसों का ढेर नहीं, जो खैरात में दे दिया जाए। मैं जानती हूँ, मगर जब कोई झोली फैला के भीख मांगता है तो उसे जीवन दान भी दिया जा सकता है। दिया जा सकता है, मगर इसकी जिंदगी का दान नहीं दे सकता। इस बेरहम ने एक निर्दोष की जान ली है, और वो भी एक लड़की। खून का बदला खून है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। तुम इसलिए गिड़गिड़ा रही हो क्योंकि तुम्हारा अपना बेटा है, लेकिन फर्ज करो, जिस लड़की की इसने जान ली है वो अगर तुम्हारी अपनी बेटी होती फिर भी तुम यही कहते कि इस खूनी को छोड़ दो? इसने जो किया गलत किया, उस वक्त वो गुस्से में था और गुस्सा इंसान को हैवान बना देता है। उसी गुस्से की आग ने मुझे राक्षस बना दिया है। जो आग इसने जलाई है वही आग मुझसे कह रही है इसे कभी कभी माफ मत करना। बेटा, क्या तू अपने ही लहू से अपने हाथ रंगेगा? तू इसे मार डालेगा जो तेरा अपना खून है। अपना खून? मेरे अंदर तो खून ही नहीं है, फिर मैं किसे अपना खून कह सकता हूं? मेरे अंदर नफरत और गुस्से का जहर भरा है, इंतकाम की आग भड़क रही है। मां बाप भाई बहन कोई भी नहीं जिसे मैं अपना खून कह सकूं। बेटा, तेरा सब कुछ है, ये कोई गैर नहीं, तेरा छोटा भाई। इससे बड़ा और कोई झूठ नहीं था आपके पास। जरूरत के वक्त इंसान कुछ भी कह देता है। नहीं बेटा, वो माँ जिसे तू डाइन कहता है, जिसे तू नफरत करता है, तू जिसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, वो माँ मैं हूँ। मैं हूँ। बेटा, तू मेरी उस मासूम भूल का नतीजा है जो बिया होने से पहले मुझसे हुई। उन्हीं के साथ मेरा बिया होने वाला था, मगर मेरी बुरी तकदीर, वो बेचारे एक एक्सीडेंट में मारे गए। इसीलिए तूने मुझे कचरे की पेटी में फेंक दिया। नहीं, मैंने नहीं फेंका। जो हुआ मुझे बिना बताए किया गया, मुझसे झूठ बोला गया, मुझे बताया गया कि तुम पैदा होते ही मर गए। और तूने यकीन कर लिया। तूने सोचा होगा अच्छा हुआ, बला से जान छुटी, फिर से कुंवारी बनकर तूने समाज को धोखा दिया।
मजे से शादी की, भला घर शान शौकत और क्या चाहिए था तुझे, और क्या चाहिए था? मैं निर्दोष हूँ, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मेरा बिया कब हुआ कैसे हुआ। मैं तो आदमी थी उस वक्त, जब से लेकर आज तक मेरे दिल पर क्या क्या गुजरी है तू नहीं जानता। मैंने किस नर का सामना किया है तू नहीं जानता। इतने बरस नरक भोगते हुए भी तूने कभी सच्चाई जाहिर नहीं की, आज कौन सी खास बात हो गई जो तू सच्चाई का ढंढोरा पिटने लगी? हाँ, आज तू गरजमंद है, किसी तरह तेरे बेटे की जान बख्श दे। तो क्या सोचकर मेरे पास आई थी कि जब तू मुझसे कहेगी बेटा मैं तेरी माँ हूं, ये तेरा छोटा भाई है, इसके साथ तेरा खून का रिश्ता है, मैं तुझे माँ कहकर लिपट जाऊंगा और इसे भैया कहकर इसकी जान बख्श दूंगा, और उसके बाद तुम दोनों कार में बैठकर खुशी खुशी अपने घर जाओ। वाह वाह वाह, तेरे जैसी माँ को कोई भी बेटा 100 जन्मों तक भूल नहीं सकता। तूने पहली बार जब मुझे देखा तो क्या तुझे शक नहीं हुआ मैं तेरा बेटा हूं? हुआ। और उसके बाद जब मैंने अपनी पूरी कहानी तुझे सुनाई तो तेरी समझ में ये बात आई कि मैं तेरा बेटा हूं? और उसके बाद जब मैं तेरे घर आया था तुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं तेरा बेटा हूं? इस बेटे के लिए तू इतना रोती रही तड़पती रही, क्या तूने कहा बेटा मैं तेरी मां हूं? क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्योंकि यह कहने से तेरा वो पाप जो तूने ब्याह से पहले किया था दुनिया के सामने आ जाता, तेरा पति तुझे घर से बाहर निकाल देता, तेरा बेटा तुझ पे थूकता, समाज तुझे ठोकर मार देता, ये सारी इज्जत और शान और शौकत खाक में मिल जाती। लेकिन आज बात और है, तेरा ये बेटा जिसे समाज और दुनिया तेरा बेटा मानती है, इसकी जिंदगी का सवाल है, इसलिए आज मजबूरन तुझे सच बोलना पड़ा। खामोश क्यों है, जवाब दे। मैं सच कैसे बता दी थी बेटा, वो बाप बेटा तुझे पकड़कर फौरन सरकार के हवाले कर देते, तू क्या सोचता है मेरे सच कहने से वो तुझे छोड़ देंगे? तू जानती है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, मगर तू चाहती है मैं इसे छोड़ दूं। कैसी माँ है तू, कैसी ममता है तेरी, कैसा इंसाफ है तेरा। अगर हम दोनों तेरे बेटे हैं, तूने हम दोनों को जन्म दिया है, तो फिर हम दोनों के लिए अलग अलग इंसाफ क्यों? माना कि तुझे डर था कि वो मुझे पकड़ लेंगे, मगर तू कम से कम मुझे तो बता सकती थी, लेकिन तेरा दिल नहीं माना, तेरी झूठी इज्जत ने तुझे इजाजत नहीं दी कि एक डाकू और खूनी को तो अपना बेटा कहे। लेकिन तूने कभी सोचा ये खूनी और डाकू बना कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? तू और तुझ जैसी माए। चली जाऊंगी, जो बोल मुझसे हुई उसके लिए तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, तुम इसे जो सजा दोगे वो मैं सह लूंगी। बेटे एक दया करो मुझ पर, मेरी एक बात का विश्वास करो, अगर मैं तुम्हें अपने माथे का कलंक समझती और मेरे मन में तुम्हारे लिए मां की ममता ना होती तो मैं उसी से मैं तुम्हें खत्म कर देती। जब मुझे पता चला मैं मां बनने वाली हूं, उनके मरने के बाद भी मैंने तुम्हें पेट में रखा, तुम्हें जन्म दिया, कि इसके लिए कि मुझे तुमसे नफरत है? मेरे नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया, मगर ये मत कहो कि मुझ में मां का दिल नहीं है, मुझ में मां का प्यार नहीं है।
बेटे, अगर तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास है और तुम मुझे माफ कर सकते हो तो एक बार मुझे माँ कहकर कहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा तुम मुझे माँ नहीं कहोगे? माँ, तूने मुझे माँ कहा? मैंने नहीं। आज तक जिस किसी ने मेरे सामने हाथ फैलाया है वो खाली हाथ नहीं गया। तुम मुझसे 5 पांडवों के जीवन का दान मांगने आई हो। ठीक है, यदि रण में युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव मेरे सामने आए तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा। परंतु अर्जुन? अर्जुन? अर्जुन को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मैंने सबके सामने सौगंध खाई है, या करण जिएगा या अर्जुन। हम दोनों में से कोई भी मरे, 5 पांडव फिर भी रहेंगे, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। हर युग में कर्ण की बलि दी गई है, तू अगर कुंती भी बन जाए तो भी मैं कर्ण नहीं बनूंगा। जा, सुन, तू मेरे आगे बहुत रोई है, बहुत गिड़गिड़ाई है, इसलिए मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तेरा बेटा लौटा दूंगा। बेटा? हाँ, मगर अभी नहीं, उसके मरने के बाद। Oh, my God.